हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, अवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, जी हाँ, धनतेरस पूजा सामग्री। जी हाँ, धनतेरस पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है पूजा करने के लिए, उसके साथ विधि, मुहूर्त और कथा भी सुनाऊंगी, तो बने रहिए, लंबा थोड़ा सा वीडियो होगा। दिवाली से पहले धनतेरस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन धन और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, फिर इनके दो दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन, कई जगह झाड़ू की भी खरीदने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। धनतेरस की पूजा विधि, व्रत और कथा, शुभ मुहूर्त। अब आपको बताते हैं धनतेरस पूजा की सामग्री। जी हाँ, पूजा में क्या क्या लगता है धनतेरस पूजा में। 21 पूरे कमल बीज, मणि पत्थर के 5 प्रकार, 5 सुपारी, लक्ष्मी गणेश के सिक्के, ये 10 ग्राम या 10 ग्राम से अधिक भी हो सकते हैं, पत्र, अगरबत्ती, चूड़ी, तुलसी, पान, सिक्के, काजल, चंदन, लौंग, नारियल, दह शरीफा, धूप, फूल, चावल, रोली, गंगाजल, माला, हल्दी, शहद, कपूर आदि। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर धन्वंतरि भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, कुबेर को सफ़ेद मिठाई और भगवान धन्वंतरि को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीं कुबेर नमः मंत्र का जाप करें, फिर धन्वंतरि स्रोत का पाठ करें। धन्वंतरि पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। तो आइए अब सुनते हैं धनतेरस की कथा। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्री हरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्युलोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती हैं, आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गई। धरती पर पहुँचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोक कर कहा, मैं जब तक वापस न आ जाऊँ तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतज़ार करें। ये कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वे भी उनके पीछे चल दी। गन्ने का खेत मिला, पके तैयार गन्ने को देखकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर वे गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देख भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम किसी के खेत से चोरी की है, इस सब के बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही श्राप पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुँचे। भगवान विष्णु को देख किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई रोक नहीं सका है, वे तो चले मान हैं,
आज यहाँ तो कल वहाँ, मेरे श्राप के कारण ये 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल 13 है, तुम अपने घर साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूँगी। फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूँगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 को धनतेरस की तरह मनाया जाता है। धनतेरस का ये जो मुहूर्त है वो 72 साल बाद बन रहा है और ये मुहूर्त है शाम 7:08 से 8:16 तक। अवधि है 1 घंटा 8 मिनट की। आप इस टाइम में कर सकते हैं धनतेरस की पूजा। जी हाँ, कुबेर भगवान की पूजा कर सकते हैं। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।